बिल्कुल, क्योंकि मोहम्मद साहब जो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो आपने इतने सारे प्रमाण बताए, दो बार की एएसआई की खुदाई में वो सारे प्रमाण मिले कि वहां पर एक भव्य मंदिर था। ये भी आपने बता दिया कि वो विष्णु के अवतार का मंदिर था जिसने बाली को मारा, मतलब भगवान राम का मंदिर था, ऐसा वहीं के अवशेषों में लिखा हुआ मिला। लेकिन जजमेंट ये तो कहती है सुप्रीम कोर्ट की कि इस जगह पर मंदिर के अवशेष हैं, लेकिन ये साबित नहीं होता कि बाबरी मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी। ये आपने अक्सर ये तर्क दलील सुनी होगी, जो लोग मस्जिद की बात करते हैं वो कहते हैं कि ये प्रूफ थोड़ी होता है कि मंदिर तोड़ा गया फिर उस जगह पर मस्जिद बनाई गई। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो पिलर थे मंदिर के उसी पर मस्जिद खड़ी थी। हम लोग ये कहते हैं कि या पहले से टूटा हुआ होगा या तोड़ दिया होगा, दोनों हो सकता है, क्योंकि उसको जो ना आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में ये साबित करना ये मंदिर तोड़ा गया है ये बहुत मुश्किल है। तो लेकिन हम लोगों को जो पाया गया है इसी तरीके से, तो उसको मंदिर को जो दोबारा रीयूज किया। अच्छा। तो आर्कियोलॉजी के लिए एक लिमिटेशन है, आर्कियोलॉजी के लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन में आप ये नहीं कह सकते हैं हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये तोड़ा गया है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन हमें बस इतना ही कहना है कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, वो मंदिर महाविष्णु के लिए समर्पित था, और ये ट्रेडिशनली बिलीव किया जाता है कि जो ना इटवा भगवान राम का है, तो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आस्था का भी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी जो ना इस तरीके की जो ना बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको सबको जो ना प्रूव करना जो ना आर्कियोलॉजी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना भी जो एविडेंसेस मिला है उसी बेसिस पे हम लोग ये कहेंगे कि वहाँ एक बहुत भव्य मंदिर था एंड दैट वाज एसोसिएटेड विद श्री राम जी का, ये भी कहेंगे। ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि वहां पर जैन मंदिर था या बुद्धिस्ट कोई मंदिर था। नहीं, वहां नहीं, जैन भी था, 5 तीर्थंकरास, एक तो आदिनाथ है जो जैन में जिसमें सबसे पहले जो तीर्थंकर है वो आदिनाथ है, फिर अजितनाथ है, इसी तरीके से 5 तीर्थंकरास जो ना वहां था, अयोध्या में था, लेकिन वो इस जगह पे नहीं है। अच्छा, दैट इज इन ग्रेटर अयोध्या, जो आप जो ना अयोध्या का जो ना 4-5 किलोमीटर तक ले लीजिए, उस एरिया में जैनिज्म भी था, बुद्धिज्म भी था, इन सबका जो ना एविडेंसेस भी मिला है, बट नॉट एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने हिंदू वो बुद्धिस्ट को भी इसमें लाना चाह रहा था, कंट्रोवर्सी में लाना चाह रहा था, जैन को भी लाना चाह रहा था, इसी के लिए इन लोगों ने ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहा। लेकिन इन सबका जगह है, बट दैट वाज नॉट इन द जन्मभूमि एरिया, इट वाज इन द आउटर ग्रेटर अयोध्या। ये मतलब सर, ये आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स की बिना पर अनडिनाइबल है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे राम का मंदिर था। मंदिर था बस, बस उतना ही हम लोग कहते हैं, उतना ही हम कहते हैं। ये बड़ी बात है सर अपने आप में। सर ये तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स हुए, इसके अलावा बहुत सारे आपने लिटरेरी प्रूफ्स की भी चर्चा की है, जैसे बादशाहों के जमाने में उनके जो इतिहास लिखने वाले हुआ करते थे, या जो बाहर से ट्रैवलर्स आते थे विदेश से, वो यहाँ आकर के लिखते थे, तो वो भी सबूतों का हिस्सा है। यस, वो भी सबूतों का हिस्सा है। अयोध्या महात्म्यम में जो 10th century AD का है उसमें पूरे की पूरा विवरण है, वर्णन है। इसके अलावा आईने अकबरी अकबर के जमाने में लिखा गया है, तो उसी में इसके बारे में ये कहते हैं, क्योंकि अयोध्या के बारे में कहते हैं कि जो ना उस टाइम में जो ना इसके लिए पूजा के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसी के बाद जो विलियम फिंच करके एक ट्रैवलर, अंग्रेज ट्रैवलर आए थे, वो ही हैड कम इन 1611 में आया था, उन्होंने भी वो राम जन्म भूमि के बारे में अपने किताब में लिखा है। वो कम से कम बयास तो नहीं था, वो हिंदू नहीं था, मुस्लिम भी नहीं था, ही वॉज ए क्रिश्चियन एंड हिज नेम इज विलियम फिंच, ही हैड कम टू इंडिया इन 1611। उसके बाद जो ना एक डच ट्रैवलर आए थे जिसका नाम था डी लिट, उन्होंने भी इसके बारे में रेफरेंस दिया है बहुत सारे। एंड स्पेशली एक जेजुइट ट्रैवलर था, उनका स्टीफन टेलर उनका नाम था, ही वाज अ जेजुइट, जेजुइट मीन जो ना क्रिश्चियन फादरी था जी। तो उन्होंने भी जो ना 1764 में इसी के बारे में कहा, और वो पिलर के बारे में भी पहले मेंशन करने वाले यही थे, स्टीफन टेलर करके जो जेजुइट था।
उसके बाद जो ना बहुत सारे लोग जो ना एक दो तीन चार पांच नहीं, बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे उस जमाने के, जो हिंदुइज्म से कोई मतलब नहीं था, इस्लाम से कोई मतलब नहीं था, इन सारे लोगों ने यहाँ का वर्णन भी दिया है और वहां का पूजे का पूजा के बारे में भी कहा है, लेकिन नमाज के बारे में किसी ने भी नहीं कहा। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए?